आज यानी बुधवार को दरभंगा जिला के बिरोल थाना क्षेत्र के सुपोल कुशेश्वर स्थान मुख्य पथ पर न्यू पेट्रोल पंप के समीप कैदी वाहन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत के मामले में परिजनों और स्थानीय लोगों का गुस्सा प्रशासन के विरुद्ध फूट पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर बवाल काटा। इधर मुख्य पथ हाटी सड़क को घंटों जाम कर प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करने लगे। जाम स्थल पर पहुंची पुलिस बल पर आक्रोशित लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, तो इधर जवाब में पुलिस ने भी अपने बल का पूरा प्रयोग किया। दरअसल बवाल मचा रहे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार भी कर पुलिस अपनी हिरासत में ले लिया है। बताते चलें कि सड़क जाम से पूर्व आक्रोशित लोग व परिजनों ने पहले तो थाना का घेराव कर दिया। इस दौरान थाना के कई कुर्सी टेबल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। थाना पर तो किसी तरह मामला को शांत करा दिया, लेकिन पुनः थाना से बाहर निकली दर्जनों की संख्या में शामिल लोगों ने हाटी सड़क को घंटों जाम कर दिया। समझाने बुझाने गई पुलिस पर लोगों ने अचानक पथराव कर दिया। देखते ही देखते जाम स्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। बाद में मजबूरन पुलिस को भी अपने एक्शन में आना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ा। माहौल इतना बिगड़ गया था कि काबू पाना मुश्किल हो गया था। रोल SDPO मनीष चंद्र चौधरी की सूझबूझ से किसी तरह मामला शांत करा दिया गया और घंटों सड़क जाम को हटा दिया गया। इस दौरान दोनों ओर से सड़क पर बड़ी संख्या में छोटी वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। इस बीच यात्री एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार जिला मामले को नियंत्रित करने को लेकर जिला से पुलिस बल एवं कई थानों की पुलिस पहुंची थी। इधर DSP मणिचंद चौधरी ने वीडियो फुटेज खंगालने पर कैदी वाहनों से बाइक पर सवार मृतक ऑटो को ओवरटेक करने के दौरान ऑटो से टकराते हुए कैदी वाहनों के अंदर जाने से मौत होने की बात कही है। जानकारी के अनुसार मृतक हाटी गांव के राम नारायण उर्फ चीना पासवान के 24 वर्षीय पुत्र बलराम पासवान है। जख्मी गयारी गांव निवासी मोहम्मद अली मूसा के 34 वर्षीय पुत्र वसी अहमद बताया जा रहा है, जिसे DMCH रेफर कर दिया गया है। सबको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया है। इधर इस बात की जानकारी देते हुए SDPO मनीष चंद्र चौधरी क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। दूसरा वसी अहमद जो गयारी के रहने वाले थे, ये बिरौल पंचायत के, ये दोनों बाइक से दरभंगा से कुशेश्वर स्थान जाने वाली सड़क से आ रहे थे और उसी समय में एक ऑटो उनके आगे से निकला है और एक बेनीपुर से बिरौल जो कैदी वैन है वो आ रही थी। CCTV फुटेज का मुआयना किया गया है, अवलोकन के बाद यह दिखता है कि ओवर स्पीड में रहने के वजह से यह बाइक स्किड किया है। स्किड करने के बाद पहले ऑटो में जाके हल्का सा टक्कर मारा है आगे वाले पहिए से और फिर वो जो कैदी वाहन था उसके अंदर में स्किड करके चला गया, जिसके वजह से एक व्यक्ति जिसका नाम बलराम पासवान है उसकी मृत्यु हो जाती है बिरौल अस्पताल जाते जाते और उनको पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया गया है। वसी अहमद जो अभी इंजर्ड हैं, खतरे से बाहर बताया गया है, वो उनका प्राथमिक जो केंद्र बिरौल है वहाँ से इलाज के बाद उनको DMCH रेफर करवा दिया गया है। सर पुलिस पे पथराव भी हुआ है? हाँ, उसके बाद से कुछ स्थानीय लोगों ने आक्रोश में आकर के बिरौल थाना के आसपास में भी इन्होंने जो है उग्र प्रदर्शन किया है। उसके बाद से बिरौल जो अस्पताल है वहाँ पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया और अंततः जहाँ ये हाटी के रहने वाले थे वहाँ पर इन लोगों ने पुलिस फोर्स पर पथराव किया है। उसमें स्थानीय आने जाने वाले वाहन में जो बैठे हुए लोग थे उनके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया है। उसके बाद अनुपातिक बल का प्रयोग करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस में कोई घायल भी है सर? हाँ, पुलिस के पक्ष से भी कुछ लोग इंजर्ड हैं। मेरा नाम मिथिलेश शर्मा हुआ, वर्तमान में उच्च पंचायत के मुखिया हूँ। आज जो घटना हुआ है हाटी में, उसमें आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने क्या देखे वहाँ पे? हम दूसरा जगह थे, शुरू से थाने से हमको कॉल गया था, आपके पंचायत में दो आदमी जो है उन्हें जो कैदी का बहन आता है उससे ठोकर लग गया है, आप आइए। हम 10 मिनट समझ गए थे, 10 मिनट के बाद हम आए थाना पर, तो उस वक्त जिस समय हम आए थे उस समय में अनुमंडल पदाधिकारी और थाना प्रभारी जी सबको जितना
थे वहाँ के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण, उनके साथ में वार्ता हो रहे थे और अनुमंडल पदाधिकारी साहब ने सबको समझा बुझा को सबको साइड कर दिया था। हम लोग भी जब पहुँच गए और जो यहाँ पर था उनका गार्जियन, उनका परिवार के लोग, हम लोग सबको घर भेज दिए थे। उसके बाद जो है उनके गांव जाने के बाद उपद्रवी मचाया गया, सो आप लोग के साथ संग है। नहीं, आप वहाँ पे जब घटना स्थल पे आप पहुँचे तो उस समय क्या देखे आपने? उस समय तो हम देखे मैंने पत्थरबाजी हो रहा है। कौन कर रहा था पत्थरबाजी? ग्रामीण कर रहे थे। ग्रामीण कर रहा था।